ओ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो दगड़ियों, आज तुम्हारा भाई बहुत जरा खुश है, क्या कह रहे हो? तुम लोगों ने थंबनेल देख लिया? अरे भाई रुको, जरा सबर करो, सब बताते हैं। मोदी जी ने हर सड़क खोद दी भाई, जब से मैंने हिमालयन क्या ली। हाँ मतलब ठीक है, देखो मैंने हिमालयन ले लिया, अपने को तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन मोदी जी देखो यार, और के बारे में सोचो जरा यार, अच्छा नहीं लगता ऐसे। बाकी चलो मजाक कर रहा हूँ भाई, नो पॉलिटिकल एजेंडा। बाकी चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दगड़ियों स्वागत आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल बग में। तो दगड़ियों आज ये ट्रैवल बग निकला है, कहाँ निकला है? निकला कहीं को तो निकला है। तो दगड़ियों आज अपन लोग जा रहे हैं भद्राज साइड। देखो जब से हिमालयन लिए ना, तब से देखो एडवेंचरस चीजें करने का मन कर रहा है, और भद्राज हमारा एक उन्हीं जगहों में से एक है, मतलब बहुत एडवेंचर से भरा हुआ उसका रास्ता है, तो इसलिए आज हम लोग वहां जा रहे हैं। बाकी हम लोग ना वहां पे कैंपिंग भी करने वाले हैं, और अभी आगे हम लोगों को काफी सारे लोग मिलने वाले हैं। तो देखो अभी मैं आया था अपने भाई लोग के घर, क्योंकि ना मेरा टेंट का सामान जो इनके घर में पड़ा हुआ था। बाकी इन लोगों को दिखाया मैंने अभी अपना कलाकारी, जो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में दिखाई थी, जो टायर में दिखाई दे रहा हूँ आपको, ये देखो। तो कैसा लगा तुम्हें? हाउ इज इट? है अपने लिए भी कराएगा? तो भाई चलो यहाँ से भी अप्रूवल मिल चुका है। बाकी हेलमेट भी तो कराया था, हेलमेट दिखाऊंगा तुम लोग को दोबारा। ये देखो भाई, और ये कैसा लगा? अरे ये क्या ओपी, आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो जी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने आज के मीटिंग पॉइंट पे, यानी मेरी पब्लिक जो है यहीं पे खड़ी होगी। तो अभी तक ना किसी ने भी मेरा हेलमेट नहीं देखा है। बाकी चलिए इन लोग के रिएक्शन भी देखते हैं कि कैसा रहता है ट्रैवल बग, देख के इनको कैसा लगता है। क्या बात कर रहे हो, ऑडियंस के बारे में बात चल रही है यहाँ पे? और जी क्या हाल है, क्या हाल है, और जी क्या हाल है, क्या हाल है रजत भाई? ये तो कोई नोटिस ही नहीं कर रहा है, हद हो गई। वो हैंगर करा दी, आखिरकार नोटिस कर रहा है, कैसा लग रहा है गाइस? ब्रांडिंग चल रही है, ब्रांडिंग। अब दुनिया पहचान देगी जैसे निकलेंगे ना, वो मग वगैरह भी आते हैं, अब आएंगे ना, आ रहे हैं, मर्चेंडाइज भी आ रही है मेरी, सब मिलेगा। तो जी ये हम लोग चले, आज छोटा सा ग्रुप है हमारा, एक हिमालयन ये रही, एक हिमालयन वो रही, और ये हमारी जीटी यहाँ पे। तो काफी जरा बढ़िया लग रहा है, ग्रुप में चलने का मजा ही देखो कुछ और होता है। क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, क्या होली का चंदा? कैश ही नहीं पड़ा हुआ, पीछे आएगी हिमालयन उससे ले लेना। ये अच्छा अच्छा तरीका था, पर नो डाउट इन दैट। अबे यार बच्चों की दादागिरी देख रहे हो हैंक, होली का चंदा की। ओ भाई साहब, मैं डर गया कि बड़ी में क्या कर रहे हैं। तो लास्ट शॉट में आपने देखा होगा मेरे टायर को रोटेट होते हुए, और जो मैंने लिखा है ना, मतलब कि जो मैंने हाईलाइट करा है अपने टायर पे, वो रिवॉल्व होते हुए देखा होगा आप लोगों ने। बाकी कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी दगड़िया बातें करते करते देखो कब हम यहाँ हाथीपांव पहुंच गए, पता ही नहीं चला भाई। बाकी चलिए एक बार फिर से आप लोग को लाइनअप दिखा देते हैं। देखो दो हिमालयन है और एक जीटी है। वैसे मेरा मन ना बहुत कर रहा था जीटी चलाने का, लेकिन एकदम गलत टाइम है इसको मांगने का, क्योंकि आ गया बहुत गंदा ऑफ रोड। तो अपनी हिमालयन ही ठीक है, बाकी आते हुए देखेंगे, आते हुए चलाएंगे से। बाकी चलिए अब चलते हैं यहाँ से आगे। अब इन कच्चे रास्तों में हिमालयन से बेस्ट कुछ नहीं है भाई। अब लोग कहेंगे कि ये कच्चा रास्ता है, लेकिन हिमालयन वाले कहेंगे वाह क्या रास्ता है, यही तो रास्ता चाहिए। ये देखो भाई एकदम स्मूथनेस के साथ। तो जी फिलहाल तो देखो हम लोग उस पॉइंट पे आ गए। अब यहाँ से अगर लेफ्ट जाएंगे तो पहुँच जाएंगे क्लाउड एंड, एंड राइट जाएंगे तो पहुँच जाएंगे भद्राज। तो इसलिए हम लोग को राइट लेना है। तो जी सामने आप लोग को जो पहाड़ दिखाई दे रहा है ना, अबे यार एक कार कहाँ से आ गई। हाँ चलो अब बताता हूँ, जो देखो वो पहाड़ दिखाई दे रहा है आप लोग को, तो अभी हम लोग को वहीं पे जाना है, वहाँ कहीं है भद्राज हमारा। और कसम से ना भाई बहुत ही एडवेंचर से भरा हुआ ये पूरा का पूरा रूट है। अगर आप लोग एडवेंचर के शौकीन हो ना, तो भाई ये रूट बहुत ज्यादा प्यारा है। तो रुक के आप लोग को मैं दिखाता हूँ एक बार यहाँ से। ये देखो भाई जो सामने आप लोग को पहाड़ दिखाई दे रहा है ना, ये अपना भद्राज वाला पहाड़ है। और देखो ये देखो ये पूरा का पूरा देखो रास्ता दिखाई दे रहा है। ये देखो ये जा रहा है ना जो ऊपर, और एकदम पहाड़ के टॉप में जाना भी हम लोग को। एक ये पता नहीं हेज क्यों होता है, वरना इतना ज़रा सुंदर दिखता है ना ये पहाड़, बरसातों में ही दिखता है सिर्फ क्लियर ना, और टाइम गर्मियों में सर्दियों में हर टाइम हेज ही हेज। अरे भाई बाकी ढलान देखो भाई कितनी खतरनाक है, यहाँ तो भाई पहले गियर में डाल देते हैं। अरे अरे भाई गिर गए, भाई 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 गिर गए हो। अबे यार अरे रुक जा रुक जा रुक जा, रुको भाई रुको एक मिनट, कोई नहीं रुक जाओ मैं उठाता हूँ। रास्ता ही बहुत खतरनाक है यार, तुम्हारी गलती नहीं है। ना 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 ना।
कोई नहीं, पहले पीछे कर लो आराम से ना, लगी तो नहीं ना, न्यूट्रल होगी थी क्या? हाँ ये अरे रास्ता बहुत गंदा है ना एक तो ये, कोई नहीं पीछे ले आराम से। अरे है भी तो चढ़ाई भी देखो ना, बहुत खतरनाक है यार। हाँ इधर से काटना था तुम्हें, कोने से एकदम। चलो कोई नहीं, लगे तो नहीं ना भाई। तो देख लिया आप लोगों ने, ये गलती इन लोग की नहीं है, गलती रास्ते की है। रास्ता बहुत ज़्यादा खतरनाक है और भाई की न्यूट्रल होगी मोड़ पे ना तो हो जाता है, तो इसलिए भैया देख के, एडवेंचर तो है लेकिन देखो रिस्की भी होता है सेम टाइम पे, है ना। सही बात है। ये देखो भाई यहाँ पे भी देखो, है ना कितना ज़्यादा खतरनाक है। और स्कूटी तो चढ़ती नहीं भाई, देखो रास्ते में देखो भाई, भाई पैदल आ रहा है भागते भागते, क्योंकि चढ़ाई इतनी ज़्यादा है ना और चढ़ाई में मोड़ भी है फिर, तो फिर वो बहुत ज़्यादा रिस्की बना देता है ना इस चीज़ को। तो देखो थोड़ी देर पहले जब मैंने आप लोग को व्यू दिखाया था ना भद्राज वाला पहाड़ जहाँ से मैं दिखा रहा था, तो मैं वहाँ पे था देखो, फिर हम वहाँ से ढलान से उतरे और अभी हम पहुँच चुके हैं भद्राज वाले पहाड़ पे। बाकी ये खड़ी है अपनी बगीरा और यहाँ से ना भाई आप बिल्कुल खड़ी चढ़ाइए ऊपर तक। तो भाई अभी हम लोग ना बीच रास्ते पे पहुंचे थे, बाकी यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी जगह देखी हो तो अभी आप लोग को दिखाता हूँ मैं। देखो पहले तो यहाँ पे अपनी बाइक्स लगी हुई है और पीछे का व्यू देखो, एक छोटा सा बुग्याल है वहाँ पे देखो, लोग कैंपिंग वगैरह भी कर रहे हैं। ज़्यादा मुझे लग रहा है प्राइवेट प्रॉपर्टी क्योंकि फेंसिंग वगैरह हो रही है। बाकी सामने वाले पहाड़ जितने भी दिखाई दे रहे हैं आपको वो जॉर्ज जनरेश वाले पहाड़ है। बाकी अभी हम लोग देखो यहाँ पर है और यहाँ पे छोटी मोटी दुकानें और कितनी ज़्यादा प्यारे बना रखे हैं लोगों ने। बाकी कुछ लग रहा है मुझे, कुछ कमी कमी सी लग रही है ना वीडियो में, आपको भी लग रहा है क्या? ऐसे लग रहा है, चेक करें यार। तो देखो भाई पुनीत अपने बैग से ना खजाना निकाला, एक पेटी का खजाना है बेसिकली। और ये ओ झोला आ गया, कुछ झोला भाई, ये किसका झोला है? ए देखो जी पुनीत जी ने ड्रोन ले लिया है, ड्रोन पुड़िया के अंदर लेके आया ड्रोन अपना। देखो ये रहा अपना ड्रोन भाई, भाई कितना ज्यादा हल्का लग रहा है भाई। और भाई ये 1,11,000 रुपए का ड्रोन है। चलो भाई देखो बातें बहुत हो गई है बुढ़ाई से। देख लेंगे आपने ड्रोन शॉट, बाकी कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ये भी बताना कि मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। भाई कसम से ना देख के मन कर गया भाई बिल्कुल ना, इतना मतलब ड्रोन या चार चांद लगा था वीडियो में, जो हमें आंखों से नहीं दिखता वो ड्रोन दिखा देता है। बाकी अभी ना हवा चल रही थी तो इसलिए हम ज्यादा नहीं उड़ा रहे, वही तो भयंकर यार। नया नया एक पेटी का सवाल है भाई, मजाक थोड़ी है, 1,00,000 उड़ रहे हैं हमें। बाकी ये आ गए हैं अपने पराठे, तो चलिए खाते हैं पराठे। A few moments later तो जी खाना पीना हमारा हो चुका है डन। बाकी देखते देखते ना मौसम भाई यहाँ पे पलट सा रहा है। ये देखो भाई बादल ही बादल आ चुके हैं चारों तरफ। और जरा भाई ये व्यू तो मैं कह रहा हूँ इतना जरा बढ़िया लग रहा है ना यहाँ पे, कसम से कैंपिंग करने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। तो चलिए फिर इस प्यारी जगह को बाय बाय करते हैं और निकलते हैं यहाँ से आगे। हाँ बाकी अब आता है टाइम सबसे गंदे काम का, वो ये है कि हमें इतने सारे सामान को जो है इस पहाड़ के ऊपर लेके जाना है। काफी ज़रा मेहनत लगने वाली, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ अच्छा देखने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। तो चलिए फिर सामान वगैरह निकालते हैं और चलते हैं यहाँ से ऊपर। और ये देखो हमें यहाँ पे क्या दिखा है, ये बुरास के पेड़ है। चलो 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 भाई, इतना सारा सामान लेके जाना है हमें और वो भी वो वहाँ पे। बाकी भाई सूरज देखो चांद बन गया भाई, देख रहे हो एकदम गोल दिखाई दे रहा है। फिलहाल अभी हम इस पहाड़ के टॉप पे पहुंच गए और यहाँ पे हवा, मतलब आप लोग को शायद आवाज आ रही होगी, बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा होगा शायद से, लेकिन पीछे का व्यू देखो भाई कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और अभी हम लोग ना और आगे जा रहे हैं यहाँ से। अरे भाई बहुत भयंकर हवा चल रही है भाई। ये देखो भाई जरा एक बार हम लोग कहाँ बैठ रखे हैं, क्या लोकेशन है भाई। ओ भाई ऊपर देखो जरा वल्चर कितना बड़ा लग रहा है, भयंकर। देखो भाई मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, बाकी आप लोग को पता है तो कमेंट करके बता दें पुनीत सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है। भाई कसम से बता रहा हूँ बहुत ज्यादा मुश्किल था, एक तो सामान इतना सारा होता है ना तो काफी ज्यादा मुश्किल होती है। बाकी फाइनली हम लोग अपनी लोकेशन में जो है पहुंच चुके हैं। अगर हवा का नॉइज आ रहा होगा तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि हवा बहुत जोर की चल रही है। बाकी ये देखो भाई सामने देखो एक छोटा सा पॉन्ड है, इधर लोकेशन देखो एक बार, हम पहाड़ के टॉप में एकदम और चारों तरफ देखो अपने बुग्याल है। बाकी वो देखो वहाँ पे देखो भद्राज टेम्पल है अपना। तो जी ये लग चुका है अपना टेंट, ओए होए। और जरा देखो भाई क्या प्यारी लोकेशन है यार, कसम से ना मजा ही आ गया भाई यहाँ पे आके। बाकी हमारे पुनीत भैया जो है अब उड़न तस्तरी जो है वो उड़ाने वाले, तो उसमें अच्छे से आप लोग को ये जगह जो है दिखेगी। अभी देख लिए हवा से शॉट कैसे दिखते हैं। तो देखो भाई यही ना ड्रोन की खासियत होती है, जो हम आपको मैं फोन से नहीं दिखा सकता, आंखों से नहीं दिखा सकता, वो हमने देखो ड्रोन से ले लिया और भाई क्या ही शॉट आए।
भाई कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी चलिए देखो मौज मस्ती काफी हो गई, अब रात का इंतजाम करते हैं, मतलब की लकड़ियां लेके आते हैं क्योंकि रात सरवाइव करनी है और रात को होगा ठंडा। रात का इंतजाम करते हैं? नहीं नहीं, इंतजाम मतलब यार सरवाइव करने के लिए लड़कियां सॉरी लकड़ियां बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जी बड़ी ही मुश्किलों से हमारी लकड़ियों ने आग पकड़ी है, लेकिन देखो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आग लग गई है। और यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे बहुत सारी लकड़ियाँ हैं, तो पूरी रात भर का इंतजाम जो है हम लोगों ने कर लिया यहाँ पे। भाई कैंपिंग के इतिहास में ना इस बार हमारी बहुत ही बढ़िया बॉनफायर हुई कसम से। हम लोग 7 बजे बैठ गए थे और अभी तक 11 बज चुके हैं, तब से कंटिन्यूसली एकदम दबा के मतलब भाई आग जली है हमारी, तो काफी ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करा हम लोगों ने। बाकी खाना भी ना खाया, अब देखो अंधेरे में हम लोग ज्यादा शूट तो कर नहीं पाते हैं। प्लीज इग्नोर करें मेरे इस फैशन को, क्योंकि भाई देखो बहुत ज्यादा ठंड हो रहा है यहाँ पे और करना पड़ रहा है ऐसा। हम लोग गर्मी के हिसाब से आ गए क्योंकि देहरादून में देखो गर्मी स्टार्ट हो गई है, मतलब काफी ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन यहाँ पे आके तो भैया अभी इतनी कुल्फी जम रही है ना हमारी। बाकी अभी थोड़ी देर बाद ना वहां से देखो भैया सनराइज होने वाला है और भाई क्या सुंदर लग रहा है, मतलब एक पहाड़ दो पहाड़ उसके पीछे पहाड़ पहाड़ में, तो एक रेंज दिखाई दे रही है पूरी और इतना ज्यादा सुंदर लग रहा है ना। तो जी वहां देख के लग रहा है ना कि बहुत ज्यादा सुंदर सनराइज हमको देखने को मिलने वाला है। तो एक काम करते हैं, देखो हम लोग एंजॉय करते हैं सनराइज, बाकी आप एंजॉय करो ये टाइम लैप्स। I was totally right. बाकी कैसा लगा आपको टाइम लैप्स मुझे कमेंट करके जरूर बताना भाई, हमें तो मजा आ गया, मतलब इतना ज़रा प्यारा लगा ना भाई। भी देखो आप पूरी की पूरी देखो पहाड़ों में देखो पूरी येलो लाइट फैल रही है। तो जी सामान जो हमने सबने पैक कर लिया है, बाकी वो देखो वो थी जगह वहाँ पे और हमने उस जगह को बिल्कुल साफ करके छोड़ा है, मतलब कि जैसे कि पहले थी वैसी छोड़ के जा रहे हैं हम लोग। और आप लोग भी कभी ऐसे ट्रैवल करते हो ना तो यही करना चाहिए, अगर इतनी दूर कुछ लेके आ सकते हो भाई वापस तो लेके जा ही सकते हो। बाकी फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से घर, ठीक है फिर इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड आपसे मिलते हैं अब अगली वाली वीडियो में किसी और डेस्टिनेशन में। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।